सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का पिरामिड मेडिटेशन चैनल पर स्वागत है। हमारे बीच में आज सुधा मलैया जी हैं, जिनके बारे में हम जितने शब्द कहें वो कम हैं। आप एक आर्ट हिस्टोरियन हैं, आप फॉर्मर नेशनल वुमेन कमीशन काउंसिल की एक्स मेंबर रह चुकी हैं और आप बीजेपी की नेशनल आप बीजेपी की फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुकी हैं। आप नाट्यशास्त्र और आप नाट्यशास्त्र और भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास की ज्ञाता हैं। तो अभी इतने सारे उनके एक्लेट्स हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो हम सबसे पहला सवाल सुधा जी से करते हैं। मैम, आपका स्पिरिचुअल जर्नी का आपका शुरुआत कैसे हुआ, आप कैसे ध्यान की ओर आई, आप अगर कुछ बता पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ये खूबसूरत एक्सपीरियंस हो। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो ही चुकी है तो मैं ये बता सकती हूँ कि किसी की भी आध्यात्मिक यात्रा इस जन्म में तभी हो पाती है जब उसके पूर्व जन्मों से उसका एक लिंक चला आ रहा हो। इस जन्म में अचानक नहीं शुरू हो जाती, पर हाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में तो शुरुआत होती है। पर मैं समझती हूँ कि मेरा पूर्व जन्मों में भी इसकी जर्नी शुरू हो गई होगी। इस जन्म में मेरी जर्नी जब मैं 1980s की बात है, मैं शायद 25 से 27 साल की उम्र में होंगी। उस समय मैं शायद बहुत परेशान रहती थी, तो उन दिनों मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ ऐसा कौन है जो मुझे मदद करेगा या मेरा साथ देगा। मुझे अपने जीवन से बड़ी निराशा सी होने लगी थी, जबकि मैं बचपन से ही बहुत मेरी आध्यात्मिक रुचि थी। हमारे घर में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं आते थे। मेरे पिताजी हमको बचपन से, हम जैन धर्म में मानने वाले हैं, दिगंबर जैनों में, तो जब हमारा दशलक्षण पर्व होता था, दसों व्रतों के बारे में, आत्मा के दसों गुणों के बारे में जब बताया जाता था, तो हमें बहुत सारा ये होता था कि कोई मुझे मेरे पूर्व जन्मों के बारे में बता दे, जैसे हमारी कथाओं में आता था। और उन जितनी भी पत्र पत्रिकाएं आती थी, नवनीत, कादम्बरी, इनमें भी जो आध्यात्मिक लेख होते थे वो मुझे बहुत आकर्षित करते थे। तो एक तो हमारे पिताजी ने जिस प्रकार से हमें धर्म की शिक्षा दी और जिस प्रकार से पढ़ाते थे, और एक जो मेरी रुचि थी अंदर से ही, एक प्यास थी जो अच्छा अपने आप ही थी, मुझे नहीं पता क्यों थी, लेकिन उस समय तो नहीं पता था, अब शायद पता हो। तो उस समय जब मैं, मुझे लगता है कि ये चीजें तभी निकलती हैं जब आप बहुत किसी गहन अंधकार से ही प्रकाश की किरण फूटती है। तो उन दिनों जब बहुत ज्यादा निराशा और डिप्रेशन होने लगा, तब शायद एक किरण, तब एक दिन मुझे, मैं जब PhD कर रही थी सागर यूनिवर्सिटी से, तो मेरे जो मेरे गाइड थे उनके भाई आए और उन्होंने ऐसे वो कुछ मंत्र मंत्र पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि हमें भी सिखा दीजिए। बोले दीक्षा लेना पड़ेगी। हमने कहा ले लेंगे। बोले पति से तो नहीं पूछना। हमने कहा पति का क्या काम है, ये मेरा व्यक्तिगत और नितांत निजी मामला है और इसमें किसी का कोई भूमिका नहीं है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी और उन्होंने मुझे ध्यान करना सिखा दिया। ये 80-81 की बात है। फिर उसके बाद हम उनके गुरुजी से भी मिले, तो उन्होंने भी हमें अपने फोल्ड में ले लिया। इस प्रकार से हमारी एक यात्रा शुरू हो गई और हमने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। हमको 20 मिनट करने बोलते थे, लेकिन उन दिनों बहुत अच्छे अनुभव हुए। उसके बाद हम 93 तक ऐसे करते रहे। 93 में हमारा एक सत्संग में जाना हुआ, तो उस सत्संग से हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ। वहाँ ध्यान की बात नहीं थी, लेकिन ज्ञान की, ध्यान हम अपने आप से करते ही थे। ज्ञान वहाँ पर जो हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में और जो आत्मा की बात है, उसकी बात हमें समझ में ही नहीं आती थी पहले, लेकिन तब हम वहाँ जब गए तो हमें समझ में आना शुरू हुआ। उसके बाद एक के बाद एक ऐसे गुरु मिलते गए हमें जो अलग अलग तरीके से बताते रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये क्योंकि सतगुरु थे, और मैं समझती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि एक गुरु का होकर रहो, वो गलत कहते हैं। तो सतगुरु कभी नहीं रोकता किसी को कहीं जाने से। अगर वो रोकता भी है तो उसका कारण केवल ये होता है कि भाई तुम वहां जाके ये मत समझना कि तुम्हारा एक गुरु बहुत अच्छा है। अहंकार मत रहना, दूसरे की आलोचना मत करना। तो उस आलोचना और निंदा से बचाने के लिए गुरु मना कर देते हो तो बात अलग है, लेकिन सतगुरु कभी मना नहीं करेगा। वो कहेगा कि ज्ञान कहीं से भी लेना हो तो किसी को भी मानो। ऐसे एक बार हम श्री श्री जी के पास गए तो किसी ने उनसे कहा कि रिक्शा, मैंने कहा गुरु जी मेरे पास, मेरे तो गुरु जी हैं ऑलरेडी। बोले एक ही बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सदगुरु ऐसे, कोई भी सदगुरु मना करता है ऐसे। मेरा मैं 2006 की बात है कि जब मैं, मेरे को एक मित्र ने बताया कि हम उनकी किसी ने, उनकी जो एक छोटी बिटिया है उनकी इवॉल्व आत्माओं से उन्होंने बात करा दी और उन्होंने अपनी पत्नी और बहन से, बेटी से बात की जो नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे भी अपने पिताजी से बात करना है। तो उन्होंने मेरी बात कराई। फिर धीरे से उन्होंने ये वाली बात बताई कि आपने किताबें पढ़ी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे,
मेरी बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि हमारी जैन कथाओं में ये आता था, पूर्व जन्म में ये बताया, पूर्व जन्म में तुमने ये किया था, पूर्व जन्म में ये किया था। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये कैसे होता है, कोई तो अवधि ज्ञानी मुनि मुझे भी मिल जाए जो मुझे बता दे मेरे पूर्व जन्मों के बारे में। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पूर्व जन्म के बारे में मैं खुद ही जानने लगूंगी, मैं खुद दूसरों को पूर्व जन्म में ले जाने लगूंगी। तो 2006 में उन्होंने ब्रायन वीज के बारे में बताया और किताब पढ़ने के लिए मुझे बताया, मैंने पढ़ी और उस किताब के ऊपर से मैंने वहाँ फ़ोन किया मियामी यूनिवर्सिटी में उनके उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो उन्होंने कहा आप मुझसे यहाँ पर क्यों लेने आ रही हैं, आपके भारतवर्ष में न्यूटन कुंदाविति है, उनसे मिल लीजिए। हम उनके वर्कशॉप में चले गए, उनको फ़ोन कर लिया। इस प्रकार से मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़ना शुरू हुआ, जुड़ाव शुरू हुआ, और उन्हीं के माध्यम से फिर मुझे किसी ने पत्री जी से मिलाया। मैं इतने सारे गुरुओं की मुझ पर कृपा रही है, उन सब ने मेरे अनुभवों को बहुत समृद्ध किया है, और अगर कोई कमी रह गई है तो वो मुझ में मेरी रही होगी कि मैंने उसको बहुत अच्छे से पालना नहीं की, धारणा नहीं की ठीक से, मेडिटेशन या पैची नहीं होगी या निरंतरता नहीं होगी, लेकिन गुरुओं ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और जब मैं पत्री जी के सानिध्य में आई तो मुझे लगा कि ये है जो मेरा जो विस्तार है वो कैसे हमारा, और जब हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको हम कैसे दूसरों तक पहुँचाएँ, इस प्रकार से किया जाता है जैसे ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी कर रहे हैं। और उनकी सरलता, सहजता, उपलब्धता, उनका लोगों के साथ तदाकार होना, उनका तादाद में, उनकी एकात्मकता, तब जो मैं ज्ञान में जो सत्संग में जाती थी वहाँ जब वननेस की बात करते थे कि सबको अपना रूप समझना है, तो कैसे समझे रूप अपना, दूसरों में सब में भगवान को कैसे देखें, समझ में नहीं आता था। पर जब अब ये समझ में आने लगा है कि जब, और ये भी नहीं समझ में आता था कि सिंपैथी में और एम्पैथी में क्या अंतर है, तब जब पादरी जी के संपर्क में जब हम आए तो हमें पता चला कि क्या होता है अंतर। जब दूसरे की पीड़ा अपने को पता चलने लगे, महसूस होने लगे, तब वो सिंपैथी से एम्पैथी बन जाती है। तो हाँ, जब करुणा का विस्तार जितना जितना होने लगता है, जितना मेरा निजत्व का विस्तार होने लगता है, तब हम सही में आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ पाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं चली हूँ कि नहीं, मेरे गुरु लोग कहते हैं कि तुम ठीक चल रही हो, लेकिन मुझे मेरे अंदर कभी कभी बहुत गुस्सा भी होता है, मेरे अंदर सारे वो वाले मानवीय कमजोरियाँ भी मुझ में हैं जो सब में होती हैं, मेरे अंदर भी हैं। और मुझे इसलिए लगता है कि नहीं, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ है अभी, अगर ये सब है तो। लेकिन फिर मुझे भी ये गुरु ने समझाया, इतना अपने प्रति हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, अपने से प्रेम भी करना सीखो। फिर मुझे भी समझ में आया, एक स्पिरिचुअल मास्टर ने मेरी हीलिंग की, उन्होंने कहा यू हैव टू लव योरसेल्फ, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं अपने से तो प्रेम नहीं कर रही हूँ। तो स्पिरिचुअल जर्नी तब शुरू होती है जब हम प्रेम करना सीख जाते हैं, और प्रेम करना हम तब सीखते हैं जब हम अपने आप से प्रेम करना सीखते हैं। अभी मैं किसी एक और की स्पिरिचुअल मास्टर की लिखी हुई किताब पढ़ रही थी, उसमें मैंने लिखा कि व्हाट फैमिली मैटर इज टू यू। तो फैमिली में हम ये सीखते हैं कि हम, मेरे लिए जो ठीक है, अगर हमने ये जान लिया कि मेरे लिए क्या ठीक है, मेरी खुशी कहाँ पर है, तो इसका स्वार्थी होना नहीं है। पर अगर आपको अपनी सही खुशी पता चल जाएगी कि सही तरीके से खुश कहाँ हो, तो मेरी सही खुशी दूसरों को दुखी करके नहीं हो सकती। तो मुझे अपनी खुशी तलाशनी है, और वो अपनी खुशी हम दूसरों के साथ मिलकर बांटने से ही मेरी खुशी हो सकती है। ये हमको समझ में नहीं आता, हम सोचते हैं कि बहुत ये अपनी खुशी के बारे में बात करना स्वार्थी होना है, पर ऐसा नहीं है। अपनी खुशी सबकी खुशी ला देगी, और यही अपना विस्तार है। मुझे लगता है स्पिरिचुअल जर्नी यही है। और मैं ध्यान के द्वारा, ध्यान में जब हम जाते, जब हम बहुत ज़्यादा, जब मुझे उस समय जब मैं परेशान थी, तो मुझे उससे ऐसे लगता था कि मेरे साथ कुछ चल रहा है। तो सतगुरु क्या करता है, वो साथ में चलता है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक गाइड बनकर हमेशा साथ में रहता है, वो नहीं होते हुए भी आपके साथ रहता है, वो एक छाया, धूप में छाया बनकर साथ में चलता है, हर दुख में आपका साथी बनता है। और ऐसा इसीलिए जितने भी गुरुओं ने मुझे अपने आशीर्वाद देते गए, उनकी कृपा होती गई, मैंने उनको कितना लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी अब वास्तव में जर्नी तो अब शुरू होगी, जब जो मुझे इतना मिला है, मुझे इतनी कृपा जो की है गुरुओं ने, मैं तो उसको बांटूँ। मैं रिसीव ही रिसीव कर रही हूँ, जब से मैं उसे दूंगी कब, और जब तक मैं दूंगी नहीं तो मैं कृतज्ञ कैसे होंगी। तो कृतज्ञता स्पिरिचुअल जर्नी का
सेकेंड स्टेपिंग स्टोन है. आई हैव टू बी ग्रेटफुल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु हैज एनरिच्ड माय एक्सपीरियंस, हु हैज गिवन अ लॉट टू मी, जिनकी ग्रेस मेरे ऊपर रही है, जिन्हें जिन्होंने मुझे बार 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 मेरी सारी गलतियों को क्षमा करते हुए. और जब मैं अपने अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो किसी की गलती क्षमा नहीं कर पाती हूँ. अगर मेरे एम्प्लॉयज हैं या जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो समटाइम्स आई एम वेरी हार्श विद देम और मुझे लगता है कि गलती हो गई, बार बार बताया, बार बार गलती करी. और मुझे तब भी जब मैं उनको टोक रही होती तब मुझे अंदर से कोई कह रहा होता है कि तुम भी तो बार बार गलती करती हो, मैं तो तुम्हें अपने फोल्ड में ले लेता हूँ, मैं तो तुम्हें नहीं कहता कि तुमने गलती की है. तो मुझे प्रभु याद आ जाता है, तो मुझे लगता है हाँ मेरी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ है, मैं उस पर हूँ, क्योंकि वो मुझे याद बराबर दिला रहा है. और जब याद दिलाता है तो सुबह से शाम तक अगर ऐसी 10 गलतियां होनी थी तो केवल एक होती है. मैं कहती हूँ ठीक है प्रभु, आप तो बहुत क्षमाशील हो, आप तो करुणा निधान हो, आप मुझे माफ कर दो. तो मुझसे कहता है तू भी हो जाना, तू भी क्षमाशील हो जाना. और वो मुझे अपने आप बनाने की कोशिश कर रहा है. और कई बार अब मुझे इतने मुझे लगता है कि कई लोगों को मैं देखती हूँ चैनल करते हुए, तो मुझे लगता है भाव आता है कि मैं भी चैनल कर लूँ. चैनल करना माने कि मैं भी उनसे इवॉल्व सोल से, मास्टर्स से बात कर लूँ. तो फिर वो कहते हैं हम तुमसे करते तो हैं हर समय, तुमको नहीं समझ में आता तो हम क्या करें. हमें तो मुझे वो कहानी याद आ जाती है कि बाढ़ में एक व्यक्ति को भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसको बार बार उसने कहा मुझे तो नहीं छोड़कर जाना. लोगों ने कहा गांव में बाढ़ आ गई है, आप डूब जाएंगे, अब नहीं इसको कोई रोक सकता है, बांध टूट गया है, आप चलिए हमारे साथ. नहीं गए, मैं भक्त, भगवान का भक्त, भगवान बचाएंगे. तो आधा पानी उनकी यहाँ तक आ गया, एक नाव आई, नाव में आया एक नाविक ने कहा चलिए अब नहीं बच सकते हैं आप, अब कोई चारा नहीं है, नाव में बैठ जाइए. नहीं बैठे और फिर उसके बाद पानी चला गया ऊपर तक. सो भगवान के पास पहुंचे, मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त, आपने मुझे बचाया नहीं. बोले तीन बार तो आया मैं तुमसे कहने, तुझे समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँ. एक बार गांव वालों के रूप में आया, फिर नाविक के रूप में आया, फिर हेलीकॉप्टर से आया, तब भी नहीं तुम आए. तो ऐसे ही भगवान बार बार आता है, बचाता है और मुझे दर्शन भी देता है, मार्गदर्शन भी देता है, अंदर में आकर भी बोलता है, कान में आकर भी बोलता है, हर जगह भी कई बार दिख जाता है. बस पहचानने की जरूरत होती है और तब लगता है कि हाँ आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई. और हम और ये यात्रा तब हो पाती है जब वास्तव में हम अपने भीतर बैठते हैं, हम अपने साथ बैठते हैं. जब हम जिस सत्संग में जाते थे वहाँ कहते थे अंदर जा, अपने अंदर आ जा. तो अंदर का अर्थ समझ में नहीं आता था बहुत कि अंदर आना क्या है. तो अंदर आना मतलब अपने साथ बैठना है, तब आपका अंतःकरण, तब आपका विवेक, तब आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपसे बात करते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, नई नई प्रेरणाएं, जीवन के कामों में काम करने के लिए प्रेरणाएं, नए कर्म करने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए. आपकी भौतिक उन्नति आपकी आध्यात्मिक उन्नति से अलग नहीं है. जो जब हम लोगों से पूछते हैं कि मेरी मटेरियलिस्टिक लाइफ और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अंतर है ही नहीं. इसी जीवन को जीने तो इसीलिए तो भेजा है भगवान ने धरती पर कि इस जीवन में करो और उसका उपयोग करो. तो आध्यात्मिकता और क्या है, प्रेम और करुणा का विस्तार ही मुझे लगता है और कृतज्ञता का ज्ञापन ही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है. और ये जब हम मैं जब महर्षि पत्री जी को देखती हूँ तो मुझे लगता है सही अर्थ समझ में आते हैं. इतने सारे गुरु, आध्यात्मिक गुरुओं का देश है भारतवर्ष, गुरु ही गुरु, हमारी गुरु परंपरा इतनी स्ट्रॉन्ग और समृद्ध है. तो मैं देखती हूँ आजकल जिस प्रकार से आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार है, इतने सारे सतगुरु कितने प्राणियों को, भव्य प्राणियों को उनके कल्याण के मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, उन्हें अपने आप की उनकी पहचान करा रहे हैं, उस प्राप्त की प्राप्ति करा रहे हैं जिसकी खोज में हम आए हैं. प्राप्त तो है मुझे, मैं सिर्फ जानता नहीं हूँ. तो मुझे उसकी उससे पहचान कराने का जो कार्य कर रहे हैं. लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ, मैं सभी गुरुओं को नमस्कार करते हुए ये बात कहना चाहती हूँ बिना किसी के अभिनय की, कि उनके बीच में फिर भी और भक्त के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी है. उनसे मिलना इतना सरल नहीं है. जितने जितने वो बड़े हो गए हैं कर्म में उतना उतना उनसे मिलना दूरी होती जा रही है. लेकिन पत्नी जी कितने भी बड़े हो गए हैं और वो बड़े इसीलिए तो हुए हैं, वो छोटे बन के भी बड़े हुए हैं, वो सहजता से और सरलता से बड़े हुए हैं. उनसे बड़ा गुरु अभी कोई नहीं मुझे लगता, जो इतना सरल सहज है, जो कहता है
नहीं नहीं आप मास्टर हैं, वो हर एक किसी को मास्टर बनाने में तुले हुए। तो मैं सत्संग में जो सुनती थी, मान न मान तू है भगवान, मुझे उसका अर्थ समझ में आता है कि तुम्हारे अंदर जो मास्टर छुपा हुआ बैठा है। जब हमारे जैन धर्म में कहा जाता है कि नहीं, हम ईश्वर कोई अलग से सत्ता नहीं है, तुम्हें ईश्वर बनने की तुम्हें क्षमता है, इसलिए अनिश्वरवादी धर्म नहीं है, लेकिन तुम्हें स्वयं ईश्वर बनने की क्षमता है और वो गुण हम अपना सकते हैं, तो उनको अपना के और उन गुणों में सर्वप्रथम यही है क्षमा, करुणा, प्रेम। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमें अपने अनुभवों पर विश्वास करना चाहिए, और ये बात मैं केवल आपसे नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं अपने आप से भी कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी जब हम शंका करने लगते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। पर अगर विश्वास नहीं है तो संकल्प दृढ़ नहीं है, और अगर संकल्प नहीं है तो यूनिवर्स में वो इंटेंशन मैनिफेस्ट नहीं होती। बात यह है कि जो भी हमारे यहाँ सभी हमारे भारत के जितने भी इस धरती के धर्म हैं, भारत भूमि के, वो सभी में संकल्प कराने की प्रक्रिया की प्रचलन है। तो कि संकल्प लेते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं। इसी प्रकार ध्यान में जब हम कहते हैं, धारणा की बात हम करते हैं, तो एक इंटेंशन फॉर्म करते हैं हम, धारणा करते हैं, संकल्प करते हैं, तो हम जो हम संकल्प करते हैं वो हमारे यूनिवर्स में जाता है, तो ब्रह्मांड सारा का सारा ब्रह्मांड हमें मदद करने लगता है। पर यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम अपने संकल्प बार बार बदलते रहते हैं, तो वो संकल्प मैनिफेस्ट नहीं हो पाते। मैं अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मेरे समाज जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन में, मेरे गृहस्थ जीवन में वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि मुझे उनके प्रश्न अगर मैं पूछूंगी तो लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं और मैं भी पूछ सकती हूँ, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मैंने उस संकल्प को धारणा पूर्वक आगे नहीं बढ़ाया। हमें अपना संकल्प यूनिवर्स में डालना है। अब मैं एक बात देखती हूँ कि कई बार हम जो संकल्प को कई बार एक दृढ़ रहता है, उसको कोई विचलित नहीं होता, पर वो नहीं भी आप उसको बार बार आगे नहीं भी बढ़ाओ, पर अगर वो यूनिवर्स में आपने डाल दिया तो पूरा होता है। जब मैंने सबसे पहले 80-81 में दीक्षा ली थी, उसके बाद जब मैं रोज ध्यान करती थी, तो उन्हीं दिनों मैंने एक किताब पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें मैंने माँ तार बाबा जी के बारे में सबसे पहले पढ़ा, और उन दिनों जब मैं एक महीने वो किताब पूरे समय पढ़ रही थी, तो उस समय मैंने उनको अपने स्वप्न में देखा, और तब से मेरे मन में ये था कि मैं उन्हें कब देखूंगी, मैं उन्हें कब देखूंगी। आप देखिए हाउ मेनी ईयर्स इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। मैं 2018 में, मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्यों ये भाव था कि मुझे उनके दर्शन करना है, स्पिरिचुअल इतने सारे सब गुरु मिले, पर माता बाबा जी क्यों नहीं मिल रहे हैं मुझे, वो वाली बात। तो मुझे मैंने हम मेरे मैं मेरठ गई, मैं मेरठ में पैदा हुई हूँ, मेरठ की हूँ, तो वहाँ मैं किसी मेरे बड़े भाई के उसमें गए थे हम, वो नहीं रहे थे, तो वहीं से उन्होंने मेरे पति ने कहा घूमने चलेंगे मसूरी, मैंने कहा नहीं मुझे रानीखेत की तरफ जाना है, मुझे महावतार बाबा जी के केव में जाना है, मुझे गुफा में जाना है, और मैं वहाँ गई। वो भी कहने लगा अच्छा हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। लेकिन हम वहाँ गए और मुझे वहाँ पर कोई मिले, मुझे लगा मैं गुफा में गई, फिर सारे रास्ते मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कि वो मेरे साथ कूदते फांदते चल रहे हैं, मुझे कभी वो किसी चट्टान पे दिख जाए, कभी वो किसी पेड़ के नीचे दिख जाए, कभी कहीं दिख जाए, तो मुझे लग रहा था मैं सब विजुअलाइज कर रही हूँ, मैं कल्पना कर रही हूँ। हालांकि ये मैं अपने अनुभव से जानती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के दौरान हम सारी इमेजिनेशन और कल्पनाएं करवाते रहते हैं, कल्पना करते करते वो कल्पनाएं आकार ले लेती हैं, और तब वो उसको आपको उसकी जो मेथडोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो यही है कि फिर हम उस पर उस जन्म में विजिट करते हैं। तो मैं मुझे कल्पना करते हुए भी वह कल्पना करना ही उस संकल्प को मैनिफेस्ट करवा देता है। तो मैं जब वहां से लौट रही थी तब मुझे कोई मिले और मैंने कोई बात कही कि अगर यहाँ तो कैसे कोई आएगा, एक ही रास्ता जाता है, कार दूसरी कैसे निकलेगी। तो किसी व्यक्ति ने पीछे से बोला बाबा जी सब कर लेते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि आप हाँ कह तो ठीक रहे हैं, बाबा जी कर लेते होंगे। मैंने कहा बताइए जरा बाबा जी के बारे में। बोले हाँ पूछिए क्या पूछना है। तो मैंने कहा नहीं मुझे बाबा जी से मिलना है। बोले अब आप जो भी सुनेंगे वो बाबा जी के मुख से सुनेंगी। तो मुझे लगा, मुझे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मुझे लगा बाबा जी इस प्रकार से कैसे, मैं गुफा तक हुआ ही वहां तक भी नहीं मुझे लगा कि प्रकट नहीं हुए आप, और उनसे मेरा मुझे उन्होंने किस किस प्रकार से करा। और फिर बाद में अब तो और भी मुझे चैनल्स मिल गए, और भी लोग मिल गए मुझे जो मुझे महावतार बाबा जी से बात करा देते हैं, और फिर मुझे भी लगता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि हम वो आपको दर्शन अपने आप ही दे देंगे। मैंने कहा मुझे दर्शन कर दोगे। तो मैं मेरे मन में बचपन से ये भी ये वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ, हर छोटे बच्चे के मन में जब ध्रुव की कहानी पढ़ता है, प्रहलाद की कहानी पढ़ता है, भगवानों के प्रकट होने की कहानी पढ़ता है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ उन बच्चों को
now this is the age of gods manifesting themselves, physical manifestation. ये age है अब लोगों को physically manifestation होंगे भगवानों के देवों के जिनको भी वो सोचते हैं ये age इस age की spiritual energy इतनी बढ़ती जा रही है पृथ्वी planet की वो energy बढ़ रही है कि वो अपने आप को manifest कर रहे हैं विभिन्न रूपों में बात उनको सिर्फ पहचान लेंगे वो बात मैंने जो उदाहरण सुनाया था वो मैंने अपने को ही सुना रही थी कि मैं वो तुम जानती हो तो मैं जब भी कोई प्रश्न पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम्हें इसका उत्तर मालूम है और मुझे उसका उत्तर मालूम होता है तो हम अपने ही अनुभवों पर जब शंका करने लगते हैं जैसे जब मैंने पहला पास लाइफ रिग्रेशन कराया तो मैंने कहा ये कुछ नहीं है तो बकवास है तुम कल्पना कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ट्रस्ट योर एक्सपीरियंस डॉक्टर न्यूटन सेड जस्ट ट्रस्ट योर एक्सपीरियंस उसके बाद आई विजिटेड मेनी ऑफ माई पास्ट लाइफ एंड नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू टेक अदर पीपल ऑल्सो इन टू द पास्ट लाइफ और मैं उनसे भी कहती हूँ कि अपने अनुभवों को पर विश्वास करो तो ये जो विश्वास और संकल्प की जो बात है बहुत बड़ी इस पर दृढ़ रहना होगा मेरा छोटा सा पोता है अम्मा मैं ये श्लोक पढ़ूंगा ये मंत्र पढ़ूंगा तो भगवान मुझे मिल जाएंगे मुझे शक्ति आ जाएगी उसका जो विश्वास है वो उसको विश्वास उसको शक्ति वो दिलवा सकता है जो प्रहलाद भी और भक्त ध्रुव जो था 5 साल का ही था तो वो मुझे लगता है मुझे उसमें ध्रुव दिखता है तो मैं उससे कहती हूँ कि हाँ तुम अगर ये विश्वास पूर्वक करोगे तो भगवान के दर्शन तुम्हें हो सकते हैं वो दर्शन हमें हो सकते हैं सवाल पहचानने की और खोजने की है इतना सुंदर आपका एक्सपीरियंस मतलब अभिभूत हो गए वाला ऐसा अनुभव हो रहा था मैं महावतार जी को यहाँ पे खुद फील कर पा रही थी आपके जो आपके उस मैंने एक प्रश्न पूछा आपका उत्तर मतलब उसका कोई मैं वर्णन नहीं दे सकती हूँ अभी पर उसी से रिलेटेड मैं आपसे एक और आखिरी प्रश्न करना चाहूँगी मेरे पास कोई प्रश्न भी नहीं बचे हैं इतना सुंदर आपका उत्तर था तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि फेमिनिन एनर्जी अभी जैसे पत्री सर भी बोल रहे हैं महिला महाध्यान चक्रम का एक जो मेन पूरा जो फाउंडेशन मैं बोलूँगी वो यही है कि फेमिनिन एनर्जी अर्थ की और हम सारे ही महिलाओं की ऊपर जा रही है राइज हो रहा है उसमें और आपने इतना कार्य करा है विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप खुद भी उसके बहुत बड़ी संस्था से जुड़ी रही हैं खुद भी तो मैं चाहती हूँ कि ना ही सिर्फ आप औरतों के लिए पर जो भी एक विमेन एंड मेन के लिए आपका इस महिला महाध्यान चक्र में आपका क्या एक उनके लिए संदेश है वो मैं आपसे सुनना चाहूँगी अभी का एक अनुभव बताती हूँ कल का मेरा यहाँ आना पत्नी जी मुझसे 5 वर्ष से कह रहे थे कि तुम आना मैं बैंगलोर तो चली जाती थी वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में लेकिन यहाँ नहीं आ पाई थी महाकुंभ में तो अचानक से मेरी बात हुई एक आपके साथ की योगी हैं पल्लवी तो उनसे मेरी बात हुई थी वो महावतार बाबा जी को चैनल करने वाली थी तो मुझे लग रहा था मुझे उससे मिलना ही है और जब उसे याद दिलाया कि मैं तो यहाँ पे हूँ बड़ी मुश्किल से उससे बात हो पाई कि मैं तो करताल में हूँ तो मुझे ध्यान आया कि मुझे यहाँ आना था और मेरे यहाँ आने का उद्देश्य था ये मुझे समझ में आया कल मैं उनसे मिली अनंदा करुणेश जी से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने लक्ष्मी सरस्वती और स्वती और दुर्गा देवी के तीनों के मैसेजेस लिए और उसी के ऊपर से पत्री जी ने उस पुस्तक से प्रेरणा लेकर उसको उसके ऊपर से ये पूरा का पूरा महिला ध्यान कुंभ जो है और आयोजित किया तो जो मैं मुझे नहीं पता मेरे से बार बार ये प्रश्न उन्होंने भी पूछा और ये प्रश्न मेरे से पहले भी इवॉल्व सोल्स ने पूछा है कि तुम अपने आप को किस चीज के साथ आइडेंटिफाई करते हो तो मुझसे उन्होंने बार बार ये पूछा क्या तुम फेमिनाइन एनर्जी के साथ या महिलाओं के लिए काम करने के साथ उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती हो तुम्हें कुछ परिचित लगता है ये विषय तो मुझे लगता है मुझे अचानक से जब मैं महिला मोर्चा बीजेपी के महिला मोर्चा विंग की मैं स्टेट प्रेसिडेंट थी मध्य प्रदेश की तो मुझसे उसके बाद और मैं थोड़ा एक्टिव थी लोगों को पता था मैं उसमें थी तो मेरे को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत विचारक जी ने बुलाया कि बोले हम एक पत्रिका निकालना चाहते हैं महिला पत्रिका ओजस्विनी उसका नाम तो हमने बाद में ओजस्विनी रखा महिला पत्रिका निकाला तो मैं उसके लिए नाम सोचती रही बार बार कि क्या नाम हो और अंत में जो नाम मुझे आया वो ओजस्विनी आया वो ओजस्विनी मतलब जो तेजस्विनी तो है ही तेज से भरपूर है लेकिन ओजस्विनी वह तेजस्विनी अपने तेज से अपने को प्रेरणा लेती है और अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है लेकिन तेजस्विनी उससे 4 कदम ओजस्विनी उससे 4 कदम आगे है ओजस्विनी माने जो अपने ओज से औरों को भी प्रभावित कर ले और अपने जैसी 10 और महिलाएं बना दे तो यही काम रहा ओजस्विनी पत्रिका का भी और ओजस्विनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का भी और जब मैं मुझे जब
अटल जी की सरकार के समय जब मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनने का सौभाग्य मिला तो मैं ये सोचती थी हमेशा, और जब प्रदेशाध्यक्ष भी महिला हो चुकी थी, कि मैं उनसे बात क्या करूंगी, महिलाओं से मैं उनसे क्या कहूंगी। लोग आजकल इतनी सारी बातें करते हैं कि इतना सारा महिलाओं पर अत्याचार हो जाता है, अब उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चियों को लेकर और वृद्धाओं तक के साथ कोई छूट नहीं रही, हम ये विषय रोज रोज आते थे। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे उनको सक्षम करूं। कोई कानून किसी के घर तक नहीं जा सकता, किसी घर तक, किसी महिला के घर तक जाकर रक्षा नहीं कर सकता, घर में अपने रिश्तेदारों से नहीं बचा सकता। और 4 साल की बच्ची क्या अपने आप को सशक्त करेगी, 6 साल की बच्ची क्या अपने आप को सशक्त करेगी, वो तो उनकी ट्रेनिंग करना है। लेकिन जो जैसे जैसे वो ग्रो हो रही है, जो उसकी माँ है, वो उसको सशक्त बनाती जा सकती है। और तब मैंने एक गीत लिखा था, मुझे लगता था मैं जब वो गीत गाती थी तो लोग बहुत, महिलाओं के अंदर एक जागृति सी आ जाती थी। कई लोग मुझसे कहते थे कि आपका ये गीत हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं वो गीत जरूर अपनी महिलाओं को इस ध्यान महाकुंभ में सुनाना चाहूंगी, और ध्यान आपके माध्यम से सब महिलाओं को। जागूंगी मैं, जागेगी तो जागेगा सारा जहां, तब ही बनेगा सुंदर महान तेरा जहान, मेरा जहान, इसका जहान, उसका जहान, सबका जहान, हमारा जहान। रोकेगा कौन पथ अब तेरा, दूर नहीं है अब वो सवेरा, आंखें तो खोल देख तो सही, अंतिम सत्य अंधेरा नहीं प्रकाश है। उठ खड़ी हो बाहें फैला, सीमा तेरी सिर्फ आकाश है, सीमा तेरी सिर्फ आकाश है। तू है भवानी, तू है शिवानी, जय हो भवानी, हर हर शिवानी, शक्ति का दे प्रमाण, तब ही बनेगा सुंदर महान तेरा जहान, मेरा जहान, इसका जहान, उसका जहान, सबका जहान, हमारा जहान। कोई हमको पंख नहीं दे सकता है, वो शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, चिंगारी हमारे भीतर होना चाहिए। जब मैंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेस थी तो मेरे गाइड मुझसे बोले कि सुधा, चिंगारी भीतर होती है, चिंगारी तुम्हारे अंदर ही, तो तुमने अपनी पीएचडी कर ली, कितने भी विपरीत परिस्थितियां रही लेकिन तुमने अपना कर लिया, क्योंकि तुम्हें वो शक्ति थी अंदर। तो उस शक्ति हमें को अपने से पहचान ली। मैं जब वुमेन कमीशन में थी तब मैं उनसे यही कहती थी, डिसाइसिव पावर, लड़के नहीं जरूरी नहीं है, संयुक्त परिवार प्रणाली हमारे भारत की शान है, हमारे भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। आज जो इतना सारा समाज में विघटन दिखाई दे रहा है, इतना सारा जो अलगाववाद दिखाई दे रहा है, वो इस वजह से कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। इसलिए आजकल की लड़कियां जो कई बार एडजस्ट नहीं कर पाती, वो इसलिए कि उनको लगता है कि मेरा मेरा मेरा, वो ये भूल जाती है कि कल के दिन जब तुम्हारे बेटा होएगा तो तुम एक बेटे को अपनी माँ से अलग कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो ममत्व का जो भाव है, क्योंकि अगर माँ ये शादी करते समय ये पूछ रही है कि इस घर में कितने लोग हैं, बोले वो बड़ी शान से बताएगी बस एक ही अकेला बेटा है, बस एक अकेली राज करेगी। अगर अकेले राज करने की बात है, और वो तो नौकरी करके फिर भी विदेश चला जाएगा, माँ अकेली रहेगी, अगर ऐसी बात है, अगर ये शिक्षा माँ दे रही है तो उसका जीवन नहीं बना रही, उसका बिगाड़ रही है, क्योंकि वो उसे एकोमोडेट करना, शेयर करना सिखाई नहीं रही, भारतीय संस्कृति का कुछ भी एक कणा भी उसको दे नहीं रही है। उसको जरूरत है ये कहने की, दहेज में तुझे कोई कुछ कहे तो तू उसको मत कुछ कहना, तो तू वहां से मेरे पास, तेरी अर्थी नहीं आना चाहिए, तू मेरे पास जब भी आएगी पैरों से चल कर आना, 4 पैरों, अपने 2 पैरों से चल कर आना, मुस्कुराते भी आना, किसी से मार खाकर और किसी से दहेज में जल कर मत पाए, तेरी अर्थी नहीं आनी चाहिए, तेरी लाश नहीं आनी चाहिए। ये माँ सिखाती नहीं है, और माँ एडजस्ट करना भी नहीं सिखा रही आज। तो हमारी जो संस्कृति है, जो संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन से ये हुआ है। लेकिन मैं जो दूसरी बात कह रही थी कि हमें अपने आप को ताकतवर, निर्णायक शक्ति जो है, निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। कई औरतों को अभी भी मैंने देखा है, मेरी माँ से लेकर और बहुत सारी महिलाओं को, तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसा नहीं करना है,
मुझे कुछ अलग करना है, कि वो सिर्फ और जो लर्निंग की जो हम हर उसमें बात कर रहे थे कि जन्म जन्मांतर तक जो लर्निंग चलती है कि, तो मुझे कई मास्टर्स ने बोला कि भारत की औरत को ये सीखना है, शी हैज टू लर्न टू से नो एट टाइम्स, तो जब जरूरत हो वहां नो कहने की आवश्यकता है, लेकिन वो कैसे नो कहे इसमें उसको प्यार से कहना है, इतनी बात उसको समझ में आनी चाहिए। तो कई बार तो हम शुरू में यंग होते हैं तो ना प्यार से कहना नहीं आता, तो लड़ने लग जाते, सींग लड़ाने लगते हैं, तो समझना नहीं आता, तो प्यार भी नहीं समझ में आता और लड़ाई भी समझ में नहीं आती। तो हमें उन दोनों का बैलेंस समझ में बनाकर चलना है, ये हमारी लर्निंग है। और इसमें हमें जो निर्णय का अधिकार है मेरे जीवन के बारे में, जैसे मैंने ये निर्णय लिया, उसे मुझे बहुत क्लैरिटी थी इस विषय में, मेरे मेरा विषय है, आध्यात्मिक विषय मेरा है, मेरी आत्मा का है, इसमें मेरे परिवार का, मेरे पति का कोई दखल नहीं है, ये मेरा निर्णय है। आई नीड नॉट टू टेल हिम आल्सो, आई नीड नॉट टू इन्फॉर्म हिम आल्सो, तो मुझे सत्संग जाना है, मुझे जाना है, मैं अपने काम में से काम करके मैं जाऊंगी। तो ये जो निर्णय का अधिकार है, कई बार लोग ध्यान के लिए सत्संग के लिए भी महिलाएं कहती हैं तुम्हें समय नहीं मिलता, बिल्कुल समय नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, अरे इतने सुबह से बच्चों को स्कूल भेजना, फिर पति को भेजना, फिर ये करना, समय निकालना चाहेगी तो निकलेगा, नहीं तो लोग यूज ही करते रहेंगे। मैं फिर कह रही हूँ इसका अर्थ लड़ना नहीं है, इसका अर्थ अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, लेकिन अपने लिए समय निकालना है, अपना जीवन बनाने के लिए, क्योंकि मेरा जीवन बनेगा तो मेरे परिवार का भी बनेगा, मेरी ग्रोथ के साथ मेरे परिवार की ग्रोथ है, ये हमें समझने की बात है। और इसलिए हर महिला को अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ केवल आर्थिक रूप से खड़े होना नहीं है, बहुत सी IAS महिलाओं को भी मैंने देखा है कि वो कहती है अरे पति से पूछ के बताऊंगी कि ये खर्च कर सकती हूँ कि नहीं, तो और बहुत सारी और भी महिलाएं, तो वो आर्थिक रूप से पैरों पर खड़े होना ही अपने पैरों पर खड़े होना नहीं है, अपने बारे में सोचने समझने का अधिकार मेरा है, द डिसाइसिव पावर लाइज विद मी अबाउट माई सेल्फ, दैट इज द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय ईच वुमन ऑफ इंडिया ऑफ भारत, भारत की हर महिला को सोचने समझने निर्णय लेने का अधिकार मेरा है, और मुझे गर्व है कि मैं स्त्री हूँ। स्त्री होना कमजोरी की निशानी नहीं है, स्त्री होना शक्ति है, इन तीनों शक्तियों के बगैर कहाँ कुछ चलता है जिनकी बात हम कर रहे हैं। मैं दुर्गा हूँ, सारी मुसीबतों का संहार करने की क्षमता मुझ में है, मैं अपनी संतान के आसपास जो भी कुछ वो आती है मैं ही समृद्धि ला सकती हूँ घर में, अगर मैं समृद्धि ना लाऊं और मैं बचत ना करूं, मैं कुछ ना करूं, तो मैं लक्ष्मी तभी बन पाती हूं। और मैं ही ज्ञान देती हूँ, पहला अक्षर मैं ही सिखा रही हूँ, इसलिए मैं ही सरस्वती हूँ, इसलिए तीनों शक्तियां भगवान ने मुझे दी है, पुरुष क्या कर लेगा मेरे सामने, पुरुष तो मेरे समक्ष एक भटका हुआ बालक है जो निश्चित ही मेरे पास लौट आता है। तो यही है, जब ये समझ कर हम करते हैं, जब पति पत्नी को बिटिया की तरह से प्रेम करने लगे, और जब पत्नी पति को एक पुत्र की तरह से प्रेम करने लगे कि उतनी देखभाल ऐसी केयर करने लगे, तो शायद वो काम पूरा हो जाता है। इसलिए आज फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों को मिलाने की आवश्यकता है। और हमने आज जो मतलब बहुत सारे कपल सब कर भी रहे हैं, भले लोग कह देते होंगे मजाक में कि तो पत्नी की सुनता है, ये नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा रहे हैं। इसलिए एक और बात कहना चाहती हूँ, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना कि तो जो GKG है ये तो फलाना है, ये तो पत्नी की उसमें ही सुनता है, हम भी ये चाहा हमने भी कभी कि हमारी भी सुनी जाए, अगर उनकी सुनी जा रही तो सुनने दो, उनको खुश रहने दो, अच्छे से जीने दो, प्रेम से उनको रहने दो। और बिटियाँ तो पली पलाई अगर हमारे घर में बहू के रूप में आती है, तो इससे बड़ा वरदान और क्या है कि भगवान ने किसी और घर में और अच्छे से पाल कर उनको भेज दिया, ग्रूम्ड भेज दिया, शायद हम उतनी अच्छी परवरिश ना कर पाते जितनी अच्छी वो आ गई। मेरे घर में तो मेरी दोनों बहुएं ऐसी आई हैं, पली पलाई दो बिटियाँ भगवान ने मुझे दे दी है, वो वरदान है, वो मेरी बेटों से जितनी बातचीत नहीं होती ऐसी उनसे होती है। तो मेरा परिवार भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पिरिचुअल जर्नी करने का अर्थ ये नहीं है। और मैंने पति जी के इस ध्यान महाकुंभ में देखा, अनेक कपल्स को मैंने देखा जो एक साथ ध्यान करते हैं, एक साथ उनकी एनर्जी है, तो बच्चे भी ध्यान में जा रहे हैं, तो बच्चों में भी वो आध्यात्मिकता आ रही है, तो वैसी एनर्जी और सिनर्जी चाहिए। ऐसा ही इस ध्यान महिला ध्यान महाकुंभ का संदेश है, और यही बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। मुझे बार बार जब मेरे अनेक गुरुओं से मुलाकात हुई, उनका सानिध्य मिला, तो मुझे कई बार ये लगता था मैं भटक तो नहीं रही, मैं किसी एक रास्ते पर तो चल नहीं पा रही हूँ, तो मुझे बार बार, लेकिन मुझे जब मैं महावतार बाबा जी के केव तक गई, और जब मेरा उनसे मैं वहाँ ऐसे गई थी कि मैं अपने भतीजे से कह रही थी, उसने मुझे एक फोटो दिखाई कि ये तो
वो है मेरी एक फ्रेंड है, उसको वो महाकाल बाबा जी को बहुत निकट से जानती है, ये है वो है, तो मैंने कहा उससे मेरी बात करा दे। बोले उसे मना कर दिया, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं महाकाल बाबा जी, जब वो चाहेंगे तब मिलेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है भैया, नहीं मत मिलाओ। और फिर मैं जिनसे मिली उन्होंने मुझे उनकी धार सारी फोटो भेज दी। फिर मुझे उस दिन लगा, और जब मैं उनसे मिली और मुझे वो मेरे इतने निकट लगते हैं, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे साथ ही रहते हैं। कई बार मैं बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ बैठ, मैं वही बैठे हैं, मैं कुछ भी कर रही होती तो मुझे लगता है वही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरी खोज पूरी हो गई, मुझे लगता है ये शायद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ ये है। ये शुरुआत है या अंत मुझे नहीं पता, पर सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यही है। अभी आपसे जितनी भी मेरी बात हुई, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका संदेशा है आज के युग के लिए, तो ये सिर्फ किसी औरत के लिए या किसी मर्द के लिए, जैसे हम बोलते हैं, नहीं है। मेरी समझ में ऐसा आया कि एक बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति तक जो आपकी बात सुनेगा, उसके लिए उसमें कुछ ना कोई एक संदेश आपने दिया है आज। मैं कितनी अभिभूत हूँ आपसे बात करके इस समय, मैं आपको उसका कुछ डिस्क्रिप्शन वर्णन जैसे मैं बोलना चाहूँगी मैं नहीं कर सकती। मैं आपसे बहुत इतना धन्यवाद मेरे पास है अभी आपको कहने के लिए कि शब्द कम पड़ जाएंगे उसके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए और पिरामिड मेडिटेशन चैनल को इतना सुंदर अनुभव देने के लिए। हमारे जितने श्रोतागण हैं वो ये सब सुनकर, उनका जैसे मैं अभी अभिभूत मुझे महसूस हो रहा है, उनको शायद और ज़्यादा वो फील होगा, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पे मुझे जो आपसे कनेक्शन फील हुआ इतनी देर में, उसका कोई मतलब शब्दों में कुछ वर्णन में नहीं कर सकती। मैं चाहूंगी कि आप आखिर में आपका कैसा अनुभव रहा इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, आप दो शब्द बोले और हम फिर विदा लेंगे हमारे श्रोतागणों से। देखिए मैं तो बोलती चली गई, मैंने तो माता बाबा जी से प्रार्थना की थी कि देख लेना आप ही रहना मेरे साथ और आप ही बोलना, मुझे नहीं पता वही बोल रहे होंगे और उन्होंने क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बारे में बात करना ही मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर ही है और अब मैं महसूस करती हूँ उनको। और फिर मुझे उनका जवाब आता है कि मैं तो हमेशा से था, तूने ही पहचानने में देरी करी थी, पहचानने में तो देरी हमारी होती है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था। और अभी मैं बाद में जैसे ही मैंने खत्म किया तो मुझे भी लगा कि कुछ एनर्जी महसूस हुई मुझे, शायद वो मेरे साथ ही रहे ही होंगे, और इसमें होंगे नहीं वो थे ही। ये जो शंका का बात आ जाती है, बस यही ये कमी रह गई, वो भी तो वही दूर करेंगे ना, आप कर लेना दूर कर लेना। लेकिन मैं भी आपके उतने ही बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य भी बनाया है, तो उन्होंने ही बनाया है, जो भी गुण दिया है तो उन्होंने ही दिया है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से उनकी तलाश होगी, मुझे क्या पता, अब पता चलेगा, वो बताएंगे धीरे धीरे। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पिरामिड मेडिटेशन चैनल ने मुझे बुलाया और इतना समय दिया आप सबसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और अब हम इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, और हम ऐसा आपसे आशा रखते हैं कि आप हमारा चैनल देखते रहेंगे, हमारे इंटरव्यूज़ को यूं ही आप इंजॉय करते रहेंगे, हमारे जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं हमारे साथ इंटरव्यू करते हैं, आप उनके साथ बने रहेंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। और सिंस हमारी एनर्जी इतनी ऊपर बढ़ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया।